दुबई और पाकिस्तानी शू बिजनेस के हवाले से की जा रही है और तकरीब खत्म हुई है तो सर्दी इतनी है कि हम लोग वहाँ बहुत से गाड़ी पे आ गए हैं और मेरे से खाने राना साहब हैं, मैं हूँ और फरहाना है टीवी न्यूज़ और मेघा जी जो कि हमेशा हर तरह की होती हैं और बड़ी मोहब्बतों से तो जी साहब आपको कैसा लगा आज तकरीब में आना? मैंने कहा मैं अपना मुझे तो आप लोगों से मिलकर जो इतना खुशी हुई ना, लगता है जैसे वो कहते ना फोन निकला है प्राइस फोन निकला है और ये वो जगह है जहाँ मेरा स्टार्ट था। यहाँ पर जाते हैं मेरी मैं यहाँ से नहीं था हर साहब मैं उनके पास क्या लगे कि मुझे ड्रामों में शौक है। अच्छा हाँ मेरा अगर आप लड़की होती तो अच्छा तो मुझे फिर किसी ने कहा कि आप इकारी तासम से मिले। अच्छा मुझे नहीं पता थी वो कहीं था वहाँ, मैं वहाँ चला गया ऐसा वहाँ जहाँ पहन कैसे घी सेंट बैठे हाँ भी हम बैठे क्या बात करें मुझे काम करने का शौक है एक टीम के स्टेज कहते ऐसे करें आप घी दिया आप गए आज हमारा आता हूँ वहाँ नहीं तार में नहीं तो बड़ा घटिया बात कहने वाले भैया ये तो बात कौन नहीं देखा आप ऐसे करें कल आप रेडियो से यास्मीन ताहिर वो आप बुला कैसे कहते कहानी सुनो वाली मैं गया मेरी एंट्री हुई थी बच्चे ने कमरा से जा सकता है मैं आगे चल मैं थोड़ा मैं पढ़ के बढ़ गया कहने ठीक है कैसे मैं क्या गाने साहब उसके पास गया था मैं फिर माफ से मेरे रेडियो में काम नहीं था पहले ही बड़ा घटिया मैं भी गलत हासिल मिल गया मैं अच्छा मैं अगले दिन ना मेरी कोठी सी इधर सी ताज साहब की इधर सी होगी नेक्स्ट सी नेक्स्ट सी बेसमेंट मैं गया नहीं ताज साहब आई बात हाँ मैं क्या बात सर इजाज़त मिला ताज से कहीं बात होगा साहब हाँ साहब मैंने ये बताया मैं आपको क्या बोलूँ उसे क्या अच्छा कार को मेरे बीच सीट पर कुर्सी है मैं बैठ गया तो यास्मीन को भी देखता हूँ मैं बैठ गया मगर यास्मीन टैक्स आ गया लग पाए कैसे मैं तो मैं घूम रहा था लाने को और जो नहीं तार भी आगे बैठ गया मैं बैठा है तेरे आगे बैठ गया। अच्छा इतना मीन में मेरा बेटा आया लड़की से काम कर रहा है आपका साथ और मेघा साथ नहीं यार फिर तो चार चांद लग जाएंगे लेकिन मेरे लिए आज ये जैसे तुर्की और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की मैंने बात की पाकिस्तान और तुर्की अगर आपस में को प्रोडक्शन करें और हमारे जो एक दूसरे के साथ
साथ ثقافتی مماثلتیں ہیں ان کے اوپر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہمارے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں اور جو ترکی کے آرٹسٹ ہیں یہ سارے مل کر کام کریں گے آج کا سلسلہ یہ چل رہا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہوگی اور مجھے اس کی بہت خوشی اور مجھے اتنے پیارے پیارے لوگوں کے ساتھ رانا صاحب اور میں ذرا आप सब से मिलकर आज ऐसे आर्टिस्ट जिस मुल्क में हो वहाँ पर कोई काम की कमी नहीं होनी चाहिए और आप तुर्की और पाकिस्तान के दोनों के ताल्लुकात को सकाफती सतह पर बहुत आगे लेकर इंशाल्लाह। और मेघा जी तो माशाल्लाह पहले तो माशाल्लाह ये परफॉर्म करती थी स्टेज आर्टिस्ट थी, अब जो इन्होंने नया ट्रेंड लिया है ये मतलब ये सिंगर बनी है और माशाल्लाह इतनी मेहनत से हर माँ दो माँ के बाद इनका एक नया गाना सुपर जी और उसमें इन्होंने जो मुकाम हासिल किया मैं इनको बड़ी दाद देती हूँ। वरना आर्टिस्ट होते हैं वो घर में बैठ जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है, वो सारे अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने फील्ड में रह के अपना एक और नया अंदाज अपनाया जो लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं और जिराज साहब उस दिन दूसरे माइक पे तो जिराज साहब अभी हम लोग तो पार्लर कहते हैं राणा साहब की चटपटी बातें बकायदा दोबारा से सुनते हैं क्योंकि जी आज हमारी बातें हुई, मेघा जी से मिलवाया आपको और हमने जी से मिलवाया और मैंने भी आपसे बातें की जी। राणा साहब शुरू हो जाए अब आप, एक तो राणा साहब को बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे इन्वाइट किया, बड़ी मुश्किल से आए लेकिन आए हैं तो आज इतने खुश हैं कि मेरे हाल बातें ही रहेंगे। ये जो हमारी मेघा साहब है ना, मेघा साहिबा, ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या एक मैनरिज्म है, इनको पता है सलीका तरीका कि किस बंदे से किस तरह मिलना है और बड़ी डेलीकेट, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। बड़ी कमाल माशाल्लाह, बड़ी कमाल की बात ये है, जब मैं देखता हूँ लगता है जैसे मैंने पहली बार देखा है। बहुत दिल से दिए हैं और यानी आप बोल जाते हैं मुझे सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा की सबसे खूबसूरत इसने जो काम किया है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बजाय इसके कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिपेंडेंट हो, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन फाइनल ये डिजिटल है और इन्होंने वक्त से पहले समझने या हर वक्त अपना फैसला जो किया ये यूट्यूब का चैनल बढ़ता है, ये सोशल मीडिया यूज कर रही है तो वहीं से अब शराब का हवाला बनेगा। अब ये लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को चैनल चेंज कर करके ड्रामे देखें या म्यूजिक सुने, तो इनकी सबसे अच्छी खूबसूरत बात मुझे लगी है कि इन्होंने डिफरेंट काम का भरपूर इस्तेमाल और उसको इनकी शनाख्त का बड़ा मजबूत हुआ है, यानी उन्होंने अपना नाम नाम जो है वो गायब रखा। जो हमारे साथ जो बात कर रहे थे ये है फराना साहिबा, तो फराना खान ये टीम के लिए हमें सोच रहे हैं कि पाकिस्तान टीवी पे ये एक जिम्मेदार अफसर है और जिस भी सीट पे है और खबरें जब मैं सुनता हूँ देखता हूँ टीवी पे तो इनकी जिम्मेदारी उनका एहसास मुझे फील होता है और एहसास होगा बड़ी जिम्मेदारी है उनके साथ ये काम करती है, अल्लाह ताला इनको इत्मीनान में रखे और ये हमारा हमारे टीवी का एहसास है। और ये दुर्गंधा का नाम से छठ गला बोल रही हूँ इसके बारे में, ये मेरा है ना, मैंने जिंदगी में ऐसा भाई वेख्या ना औरत वेखी, ये मैंने स्टेज पर भी कहा हर जगह कहा, तो मैं कहा कि बड़ी दुआएं इनके लिए, बड़ी दुआएं प्रणाम जी के लिए, बड़ी दुआएं और आज दोस्तों हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये जो टेबल खास तौर पे आज हम लोगों को मिली और हमने अपना शो करने के बाद जो यहाँ पे एंजॉय किया ना बहुत मजा आया, तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको किसी अगले।